एचएस ईबी वर्क्स यूनियन का धरना बुधवार को 9वें दिन जय भगवान की अध्यक्षता में जारी रहा। यूनिट प्रधान ने धरने को संबोधित करते हुए कर्मचारियों को एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारियों में एकता होगी तो कोई भी अधिकारी कर्मचारियों का शोषण नहीं कर सकता। पिछले 2 साल से डीसी रेट पर कार्यरत कर्मचारियों को अब तक एरियर नहीं मिला। इसके विपरीत जीन सर्कल के नरवाना सफीदों में डीसी रेट पर कार्यरत कर्मचारियों को एरियर का लाभ मिल चुका है। उन्होंने उपमंडल अधिकारी पर तंज कसते हुए कहा कि जब तक जिला प्रशासन द्वारा उपमंडल अधिकारी पर FIR दर्ज नहीं होती उनका धरना जारी रहेगा। जींद से जाट टीवी न्यूज के लिए ऋषि महेंद्रता की रिपोर्ट। 2014-16 बीच में रेल था, उसका भुगतान कर दिया गया है। उसके बावजूद भी जींद डिवीजन के अधीन जितने भी हमारे डीसी रेट और कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए कर्मचारी हैं उनका 2014-16 का वेतनमान जो बढ़ा हुआ है अब तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमें अधिकारी और जिला प्रशासन से हम पुरजोर ये अपनी तरफ से मांग करते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ जो FIR लोज हमारे कर्मचारी नेताओं ने दी हैं उसके खिलाफ FIR दर्ज करी जाए। और समय रहते हुए हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं या तो इसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, नहीं तो संगठन किसी भी हद तक इसको आंदोलन का बढ़ाने के लिए मजबूर होगा।